रेप का आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिग को बना रहा था हवस का शिकार, माँ बेटी ने एसपी से की शिकायत। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले घोसीपुरा में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि नाबालिग से रेप के मामले में जमानत पर छूटे आरोपी ने ही शादी का झांसा देकर फिर से नाबालिग को हवस का शिकार बनाया है। घटना की शिकायत पीड़िता ने मंगलवार को अपनी माँ के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार फिजिकल थाना क्षेत्र के घोसीपुरा की निवासी एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने शनिवार को एसपी ऑफिस में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि एक साल पहले पड़ोसी कपिल शाके पुत्र धर्मेंद्र शाके निवासी नटके नीम के पास घोसीपुरा शिवपुरी उसे बहला फुसला कर भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज कराई, जिस पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वही आरोपी इस केस में जमानत पर बाहर है। नाबालिग की मां ने बताया कि रेप का आरोपी कपिल शाके अब उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। पीड़िता और उसकी मां ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। तो आप अपनी सहमति से आती हैं कुछ जबरदस्ती या कुछ उनको? सहमति से नहीं आती, बोलता है शादी तो कर ली, 18 साल की हो जाएगी फिर रखूंगा, ये सब करके मेरे साथ में गलत। कब से चल रहा है ये पूरा? 2021। अच्छा, तो आप उसके साथ में रेगुलर जाती रहती हो और वो जब भी आपको बुलाता है आप चली जाती हो? हाँ, बुलाता है जब भी चली जाती हूँ। घर पे क्या क्या जाती हो आप? घर पे मैं रहती नहीं हूँ ना, मैं नहीं रहती हूँ। कोई दबाव वगैरह बनाते हैं आपके ऊपर वो? और मैं बोलती हूँ कि घर पे मम्मी को बोलूंगी, तो बोलता है फिर मैं रखूंगा नहीं घर पे, बोलेगी तो मैं रखूंगा नहीं तेरे को, धमकी देता है ना, मैं रखूंगा नहीं तेरे को, मैं शादी नहीं करूंगा तेरे से अगर तूने बोला तो। रखना ही नहीं चाहते मेरे को, मैं बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ कहाँ पे रहूँ। तो अभी आप गई थी अभी लास्ट टाइम तो कल? उसके चाचा ने मेरे को मारा, उसकी चाची ने भी मेरे को मारा, बोले 5 जनवरी को फिर ले गया तो उसको भगा के, मेरी कंप्लेन क्यों मारा? नहीं रखना तो क्या अपने घर पे ले जाता है कि चाचा के यहाँ पे कॉलोनी में रहता है? चाचा ने भी मेरे को मारा, उसकी चाची ने भी मारा, बहुत फालतू बोल रहे थे वो लोग, बोला जो करना है कर ले, कुछ नहीं होगा जा। एक बार हो चुकी है तो कभी दोबारा नहीं होगा। क्या नाम है चाचा का? आपने मारपीट किया भैया करवाते? अब आई हो ना अभी? नहीं तो आप थाने में एफआईआर करवाओ, मारपीट फटा दो।